हेलो बच्चों, वेलकम टू बिनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इससे पहले ना हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ ये सब। ठीक है, आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा और ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 1 है। ठीक है, वो क्या है? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारे पास जो मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो भैया मैग्नेट क्या होता है बच्चों? मैग्नेट क्या होता है? सिंपल सा, मैग्नेट होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नेट जो मैग्नेट है हमारा वर्ड आया है। ठीक है, सिंपल सा मैग्नेट जो वर्ड बना है ना, ठीक है, ये बना है कहां से? मैग्नीशिया, एक कंट्री का नाम है एशिया के अंदर, मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नेट का जो ओरिजिन है वो किस वर्ड से हुआ है? मैग्नीशिया से। ठीक है, ये चीज मैग्नीशिया हमारे एशिया में एक कंट्री है, सिंपल सा मैग्नीशिया। ठीक है, वहाँ 2000 साल पहले, ठीक है, सिंपल सा स्टोन मिला था जिसको क्या बोले थे हम लोग? ब्लैक पीस ऑफ आयरन। क्या बोलते बच्चों? ब्लैक पीस ऑफ आयरन, उसी का नाम है मैग्नेट। ठीक है, ब्लैक पीस ऑफ आयरन, ब्लैक पीस ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe3O4। ठीक है, ब्लैक पीस ऑफ आयरन Fe3O4। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड स्टोन। क्या नाम है बच्चों? लॉर्ड स्टोन। ये सब कुछ क्या है? मैग्नेट। ठीक है, ब्लैक पीस ऑफ आयरन Fe3O4, लॉर्ड स्टोन Fe3O4, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट आपने देख रखा होगा। ठीक है, मैग्नेट आपने अच्छे से देख रखा होगा। तो मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है बच्चों, तो इधर क्या होता है? नॉर्थ पोल, इधर क्या होता है? साउथ पोल। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, जब मैग्नेट ये भी मान लो मैग्नेट है, ये भी मान लो मैग्नेट है, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या करता है? रिपेल, मतलब कि सेम पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल। ठीक है, डिफरेंट पोल क्या करता है? अट्रैक्ट, जिसे चार्ज में होता था। ठीक है, सिंपल सा, तो भैया सेम पोल क्या करता है? सेम पोल करता है रिपल्सन एंड डिफरेंट पोल क्या करता है? अट्रैक्शन। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम आएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के ऊपर, वहाँ भी अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के बारे में ना क्या आता है कि जो कुछ स्टोरी आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वो स्टोरी क्या है? तीन ईयर बताऊंगा मैं, 16th century। ठीक है, 16th century। ठीक है, और एक और ईयर है 1750, और एक और ईयर है बच्चों 1820। ठीक है, 16th century, 1750 एंड 1820। ठीक है, तो 16th century के आसपास क्या हुआ था? एक साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट एंड एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है सर, विलियम गिलबर्ट एंड क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। ठीक है, क्या बनाया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। 1600 के आसपास, 16th century के आसपास गिलबर्ट और एलिजाबेथ क्या किया? गिलबर्ट और एलिजाबेथ ने क्या किया बच्चों? उन्होंने क्या, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। कैसे बनाया? तो जो आयरन था ना, आयरन को क्या किया? लॉर्ड स्टोन से क्या किया उसको?
रब्ड किया, ठीक है, उससे क्या हो गया कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया अपना, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला यहाँ से काल स्टार्ट हुआ, गिलबर्ट और एलिजाबेथ ने क्या किया, मिलके एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। कैसे बनाया, तो आयरन के पीस को रब किया किसके साथ, लोड स्टोन के साथ। आयरन के पीस को किसके साथ किया, लोड स्टोन के साथ क्या किया, क्या किया बच्चों, सॉरी बच्चों फोन साइलेंट करना भूल गया मैं, ठीक है। 1600 BC के आसपास गिलबर्ट और एलिजाबेथ ने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1715 के आसपास, 1750 के आसपास। अब यहाँ पे क्या हुआ, जॉन माइकल, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कौन, जॉन माइकल, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक पोल फाउंड किया, ठीक है, फाउंड मैग्नेटिक पोल, ठीक है, मैग्नेटिक पोल जो है क्या किया बच्चों, फाउंड मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल जो है क्या करता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है। 1785 में पता किया कि जो मैग्नेटिक पोल है ना, इनवर्स स्क्वायर रूल को क्या करता है, ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर रूल को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 1820, सबसे फेमस टाइम इस समय तक जो है, इस फिनोमेना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे जो चैप्टर है, ठीक है, उसका यहाँ पे इंटायर डिस्कवरी हो चुका था। 1820 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे और ऑरेस्टेड, ठीक है, उन्होंने क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंट जब चल रहा था, ठीक है, क्लासरूम के अंदर कुछ डिस्कवरी चल रहा था या फिर वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो मैग्नेटिक नीडल है, क्या है, मैग्नेटिक नीडल है ना, सिंपल सा ये मान लो कि हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, और ये क्या है, वायर। देखा कि ये मैग्नेट अगर इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, देखा कि ये मैग्नेट क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 1820 के अंदर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक है, सिर्फ ऑरेस्टेड याद रखो। उन्होंने क्या किया, सिंपल सा एक मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेट, ये मैग्नेट है और ये क्या है, वायर, इससे अगर करंट फ्लो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, ये मैग्नेट क्या करता है, डिफ्लेक्ट, मतलब कि इसका जो पाथ है, ठीक है, ये हमारे पास जो मैग्नेट है, क्या क्या डिफ्लेक्ट कर गया, या तो इधर हो जाएगा या तो इधर, मतलब कि इसका जो पोजीशन है ना, पोजीशन में क्या आता है, चेंजेस, डिफ्लेक्शन मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, ओके। 1820 में क्या हुआ बच्चों, ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट से क्या आया, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक और बात, ठीक है, लास्ट में एक एम्पियर साइंटिस्ट थे, ठीक है, आप जानते होंगे उसको, ठीक है, आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में भी, वहां पे क्या था, एंड्रे नाम है बच्चों, ये सब एंड्रे कहानी है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, एंड्रे मैरी एम्पियर, पूरा नाम भी आपको मिल रहा है। इन्होंने क्या बोला लास्ट में, ठीक है, एंड्रे मैरी एम्पियर ने लास्ट में क्या बोला, इस सब कैलकुलेशन होने के बाद, ये सब होने के बाद एंड्रे मैरी एम्पियर ने क्या बोला, सिंपल सा सुनिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आर सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आर, लिख लिया है पूरा, मैं भी जाता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आर सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना, अभी तक लिख लिया होगा, यहाँ लिख लो, इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट आर सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना, ठीक है, ये था स्टोरी हमारा, ठीक है, मैग्नेट नाम था, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, लोड स्टोन, ठीक है, उसके बाद 16th सेंचुरी में सबसे पहले विलियम गिलबर्ट एंड क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, सिंपल सा मिलके एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, ओके। वहाँ से फिर नेक्स्ट आया हमारे पास किस मैक्स सॉरी माइकल, ठीक है, जॉन माइकल, उन्होंने क्या किया कि फाउंड किया कि मैग्नेटिक पोल जो क्या करता है, मैग्नेटिक पोल जो है इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। उसके बाद हमारे पास ऑरेस्टेड साहब आए, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है बच्चों।
सो मैटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर मैटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस क्या, ठीक है, मैटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस क्या होता है? जितना भी फिनोमेना है, ठीक है बच्चों, जितना भी फिनोमेना है, लिख दूं मैं तो लिखता हूं, मैटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, an electric current flowing in a conductor produce a magnetic field, ठीक है, इसका मतलब क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या करता है, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर, ठीक है, इन द स्पेस. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड इट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट. अच्छे से कर देते हैं, इन द स्पेस अराउंड इट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. अभी आएंगे, मैट पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, बस ये सिंपल सा इसका स्टोरी है, इसका डिफिनेशन है तो मैं लिखा दिया, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट का टाइप, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ओके. तो पहले हम क्या करते हैं, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. तो ऑरेस्टेड ने क्या देखा, ठीक है, ऑरेस्टेड क्या देखा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने क्या देखा कि चलो एक वायर है, ठीक है, एक क्या है, वायर है, ठीक है, इस तरह से अगर एक वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक क्या है, कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ये कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या होता है, कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है. डिफ्लेक्ट मतलब इसका पोजीशन अगर कुछ इस तरह से था, तो या तो ये इस तरह से हो जाएगा, या तो ये इस तरह से हो जाएगा. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के चलने के ऊपर, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो आप डालिए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या उन्होंने कहा, स्नो रूल सुना है, SNOW, आज बताता हूं, चलिए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो मैं करता हूँ. देखिए क्या था एक्सपेरिमेंट, वो मैं करता हूँ, ठीक है. अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट बनाना था, मैग्नेट देखू मैं, आ रहा है इसमें, ठीक है, आ रहा है, ओके, अच्छा, ये मान लो एक नीडल है, ठीक है, कंपास, ओके, अच्छा इसको छोड़ो, दूसरा फोटो लगा, अच्छा सर अजीब लग रहा है ना, वही मैं देख रहा था कैमरा में कैसा आ रहा था फोटो. देखिए अगर मैं क्या करूं, देख कहानी क्या, पहले ये मैं बता रहा हूं, ठीक है, कहानी क्या है ये जानना है. ये मान लो वायर, ठीक है, और ये मैग्नेट, अगर नीडल के ऊपर वायर रख दे, ठीक है, नीडल के ऊपर वायर रख दे,
वायर में या तो ऐसे करंट फ्लो करेगा बच्चों, या तो ऐसे करेगा, तब डिफ्लेक्शन क्या होगा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद तो देखते हैं, पहले वायर ही बना लेता हूं मैं। ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये वायर हो गया भैया। करंट कुछ इधर जाएगा ऐसे, और यहां मान लो एक नीडल, दिस इज नीडल बच्चों, ठीक है। ये क्या है? नीडल। ये मान लेते हैं कि ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल में ना थोड़ा सा ये डार्क किया हुआ रहता है, ठीक है। आप कंपास देखना, वहां पे थोड़ा सा डार्क किया हुआ रहता है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो करंट कहां से कहां फ्लो करिए बच्चों? साउथ टू नॉर्थ। हाँ बढ़िया, ठीक है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट, ये केस फर्स्ट, मतलब ये पहला कुछ है। तो इसमें कहानी क्या है, ठीक है। अब देखो, अब कंपास के ऊपर अगर एक वायर रख दिया जाए, ठीक है, कंपास के ऊपर अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, अगर हम रख दें और करंट फ्लो करे कहाँ? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ बच्चों। तो आपको बताना है, ठीक है, कि जो इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये साउथ, आपको पता है, अभी पता चलेगा, आपके बुक का एक्टिविटी नंबर वन है, ठीक है। ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये बच्चों होता है ईस्ट, और ये क्या होता है? वेस्ट, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में लाओ, देखो ये कैसे हो जाएगा, ये साउथ नॉर्थ ऐसे कर दें, साउथ नॉर्थ, ये वाला मतलब इसको क्या करेंगे हम, घुमाएंगे ऐसे करके, कुछ इस पोजिशन में लाते हैं। तो इस पोजिशन में लाएंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, ये साउथ नॉर्थ, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझिए। दिस ऐसे करेंगे, ये साउथ, ये बच्चों नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे घुमा है ना, ये कैसे घूमेगा, इधर ये वेस्ट और ये ईस्ट। मैंने इसको टर्न कर दिया, टर्न ऐसे, ये था ऐसे ऐसे पर घुमा दो, ये चला जाएगा इसके स्थान पे, और ये वेस्ट ईस्ट आ जाएगा नॉर्थ साउथ के स्थान पे, देख लिया, थोड़ा सा घुमा दिए ऐसे कर दिए, ठीक है, हो गया। चलो अब करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब जो ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, अब जो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। ये किधर होगा, सिंपल सा, ये होगा वेस्ट की तरफ, किधर होगा, वेस्ट की तरफ। आपको याद रखना है कौन सा रूल, स्नो, SNOW, ठीक है, स्नो। इफ, ठीक है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड अबव द का नीडल, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो किधर होता है, वेस्ट की तरफ, किधर होता है बच्चों, वेस्ट की तरफ। अब इसका देखो फाइनल डायग्राम क्या बनेगा, इसका फाइनल डायग्राम बन जाएगा हमारे पास, ये रहा वेस्ट, ये जाएगा इधर, देख लिया। तो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अगर इसको समझ लिया तो सब हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी फटाफट करता हूं, देखो साउथ नॉर्थ, अगर कंपास नीचे है और वायर ऊपर है, कंपास नीचे वायर ऊपर, करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो भैया ये किधर जाएगा, ये जाएगा वेस्ट की तरफ, दिस इज वेस्ट, जाएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इसे छापो, छापो जल्दी से, जल्दी कीजिए, हाँ दिख रहा है अच्छे से। आपको इसमें क्या लिखना है, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, लिख सकता है, लिखो, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम, एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, the north pole of magnet deflected towards the west, deflected towards the west। आपका activity one है, आप इस चीज को समझो, किधर जाएगा तो किधर मुड़ेगा, यही तो chapter का feel है। और स्टेट क्या किया उसको तो पहले जान लो, ये किया, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर direction change कर दूँ बच्चों, ठीक है, क्या कर दूँ, direction change, मतलब कि लिख लिया, अच्छा अब दूसरा लिखना है, अगर ये प्लस ये माइनस हो गया तो करंट बहेगा नॉर्थ से कहा बच्चों, साउथ, करंट बहेगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ऐसे बहेगा कुछ करंट इस तरह से,
करंट कुछ इस तरह से बहेगा बच्चों, नॉर्थ टू साउथ। तो भैया ये जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है ये किधर मूव करेगा, ये मूव उल्टा नहीं कर जाएगा जी, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेट अब किधर डिफ्लेक्ट करेगा, आप लोगों को पता है किधर करेगा बच्चों, अगर ये वेस्ट है तो जाएगा कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो भैया ये जो आपका ये मैग्नेट है जो निडल है ये इधर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो उल्टा पहले इधर जाता फिर जाएगा इधर, दिस इज वेस्ट बच्चों, ओके, दिस इज ईस्ट, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। फिर से उतार लो, उतार लिया, मिटा दो, चलो मिटाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है इसका उल्टा पार्ट, इसका उल्टा पार्ट क्या, अब ये ऊपर आइए नीचे कर लेगा, मैं एक बता देता हूँ आप लोग कर लेना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैं कर ही देता हूँ, सीधा साल याद रखो स्नो रूल, क्या याद रखो स्नो रूल, ठीक है। अच्छा अब क्या हो, वायर जो है कहाँ रहे, नीचे, कंपास ऊपर, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हम लोग, सेकंड केस में क्या बच्चों, कहाँ रहे वायर, ऊपर, कंपास ऊपर, ठीक है। अभी पहले नीचे था ना, अब रखते हैं ऊपर, ठीक है। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, फिर से वही कहानी बच्चों, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ओके। करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है, फिर से वही कहानी बना दूं मैं, एंड दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। अब आपको बताना, अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है, साउथ से कहाँ कर रहा है फ्लो, नॉर्थ कर रहा है, तो क्या होगा। अब मैंने ऊपर रख दिया, कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया, चेंज हो जाएगा पोजिशन, कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उसका उल्टा कर दो, उसमें क्या था, उसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, उसमें था स्नो एस एन ओ डब्ल्यू, वेस्ट में आ रहा था, तो कहाँ जाएगा बच्चों, ईस्ट में। बात को पकड़ा नहीं, पकड़ा बात पकड़ो, दिस इज क्या मैग्नेट, इसको मान लेते हैं वायर, वायर ऊपर है तो कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ से नॉर्थ टू वेस्ट। अगर उल्टा कर दे, वायर नीचे मैग्नेट ऊपर, साउथ से नॉर्थ टू ईस्ट, इस बात को पकड़ लो, काम खत्म, ठीक है। साउथ से नॉर्थ टू ईस्ट, अब इसका उल्टा, अगर नॉर्थ से साउथ करे तो क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ से साउथ करें क्या होगा बच्चों, वेस्ट, ठीक है। आप एक और डायग्राम बना लेना, ठीक है, साउथ से नॉर्थ से क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा, इसमें याद रख लो, साउथ से नॉर्थ अगर बिलो रखा हो, कहाँ रखा हो, बिलो, तार कहाँ रखा हो, बिलो, तो कहाँ मुड़ेगा ये डब्ल्यू, ठीक है, वेस्ट, भाई नहीं घर ना, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट, एस एम बी एंड स्नो याद रख लो, काम खत्म। स्नो मतलब ऊपर रहे वायर, एस एम बी मतलब नीचे रहे वायर, ऊपर रहे तो वेस्ट, नीचे रहे तो ईस्ट, समझ गया, या तो ऐसे याद रख लो सिंपल सा, नहीं तो आप समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा भैया, ऊपर रखेंगे कहाँ जाएगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ से नॉर्थ अगर ऊपर है, ऊपर है तो वेस्ट, नीचे है तो ईस्ट, ठीक है, समझ रहे बात, ओके। अच्छा इसका उल्टा भी कर लेगा ना, कर लेगा, ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास क्या, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। तो आगे आगे क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लास, आगे जो है हम क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, मैग्नेट एंड इट्स टाइप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन में, ठीक है बच्चों। तो आज का लेसन, आज का जो टॉपिक है, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, ठीक है, चूँकि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें और ज़्यादा कुछ करेंगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे अगर मैग्नेट की बात करें तो पूरा मैग्नेट की बात कर लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है, ओके बच्चों।